मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन इन लर्निंग पैराडाइम विद उस्मा हसना। सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ऑलरेडी मैं कुछ पर्सपेक्टिव डिस्कस कर चुकी हूँ और पर्सपेक्टिव को भी एग्जांपल के थ्रू बता चुकी हूँ पर्सपेक्टिव होता क्या है। अगर किसी को नहीं पता तो मेरी लास्ट वीडियो को आप लोग देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ उसका लिंक भी, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए उसको अंडरस्टैंड करना पर्सपेक्टिव को। सो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बात करें तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव सबसे फर्स्ट या अर्लीस्ट पर्सपेक्टिव था सोशियोलॉजी का, अंडरस्टैंड रखना है, सबने याद रखना है। और ये किसने दिया था? अगस्त कॉम्टे ने दिया था और हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। अब इनका फोकस किसके ऊपर होता है? इनका फोकस होता है कि सोसाइटी कैसे बनी थी, कैसे ग्रो किया सोसाइटी, कैसे इस सोसाइटी विद द पैसिव टाइम क्या क्या चेंजिंग आई, किस तरह चेंज हुई सोसाइटी, किस तरह इवॉल्व हुई सोसाइटी। ठीक है, इनका फोकस बेसिकली इस चीज़ पे होता है। और यानी कि बिगनिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में क्या क्या था, सोसाइटी किस तरह से थी। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को अंडरस्टैंड करके प्रेजेंट तक पहुँचते। ठीक है, तो ये इनका पर्सपेक्टिव था चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, कि आपने कोई भी चीज़ समझनी है तो पहले उसकी जो है जड़ तक जाएं, उसकी जो पीछे हिस्ट्री है उसको आप देखें, पास्ट को देखें, देन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो ये जो ये पर्सपेक्टिव था ये मतलब अर्लीस्ट पर्सपेक्टिव था। इस पर्सपेक्टिव में चेंजिंग के बारे में बात की गई है कि चेंजिंग कौन कौन सी है, और इसके अलावा क्या था कि जो ये तो चेंज है कैसे आया, कब आया और किस तरह से सोसाइटी इवॉल्व होती रही है। सो कुछ सदियां पहले, कुछ डिकेड्स पहले, ठीक है, क्या हुआ था कि इसको फेवर नहीं दी जाती, ठीक है, इस पर्सपेक्टिव को। लेकिन अब के टाइम में दोबारा इसकी इसको मतलब फेवर दी जाने शुरू हो गई, यानी कि अब फिर ये ट्रेंडिंग में आ गई हुई है ये वाला पर्सपेक्टिव, कि कोई चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है तो पिछले जो चीज़ें या पास की चीज़ें आप उनसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पास में क्या था अब क्या है। ठीक है, तो जो सोशियोलॉजी का जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इस पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? कि सोसाइटी में चेंज कैसे आया था, सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसे हुई थी। तो अगर आपने किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट देखनी हो तो आप अगर उससे कुछ सालों पहले अगर देख लें तो आपको फ़ौरन से डेवलपमेंट नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप जो सेलफ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो स्मार्टफोन होंगे, ठीक है, टच सिस्टम होगा। आज से कोई अगर 30 साल पहले देख लें तो इस तरह की मोबाइल फ़ोन नहीं होंगे, कुछ सादे मोबाइल फ़ोन होंगे और हर किसी के पास नहीं होंगे, किसी किसी के पास होंगे। तो आप देखते हैं हाँ जी वाकई चेंज आया, डेवलपमेंट आई है। ठीक है, आपने पास की चीज़ से अंडरस्टैंड कर लिया, यानी कि इस तरह से आपने इस व्यू पॉइंट से आपने सोचा हाँ पास से हम चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पास से चीज़ें अंडरस्टैंड करके आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या हुआ था डिफरेंट सोसाइटीज़ में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पर्सपेक्टिव डिस्कस करते हैं। तो कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।